लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल के पंचायत भवन से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नशा बचाओ देश बचाओ को लेकर आज जो काफ़ी विकलांग भाई हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और करनाल की सड़कों पर जो है इसी तरीके से ये संदेश पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नशे को छुड़ाना है, देश को बचाना है, इस तरीके का ये जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विकलांग भाई हैं करनाल की तमाम सड़कों पे इसी तरीके से जो लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर जो है काम किया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बैनर इनके हाथ पर है और एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हुए यहाँ पर जो है देश को बचाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ गए आप? हम अपना पंचायत भवन से लेकर कमेटी चौक से ऐसे घूमते हुए अपना सेक्रेटरिएट में आए हैं और तो आगे हमारा ये नारा है देश बचाना है नशे को भगाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा मैसेज। ये देश बचाना है और नशे को भगाना है। ठीक है सर, कहाँ से आए हैं आप? हम कमेटी चौक से घूम कर आए हैं सर जी, पंचायत भवन से ऐसे करनाल के चारों चक्कर लगाया सर। आप ये देख सकते हैं ये विकलांग भाई हैं और किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है इन्होंने आज यहाँ पर दिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। हरियाणा के करनाल से सुख हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताऊ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा ये एक नशा मुक्ति केंद्र करवाना है, नशा कम होना चाहिए, ये नशे ज़्यादा करते हैं लोग, विकलांगों को भी छेड़छाड़ करते ज़्यादा। विकलांग जाता है जो युवा वर्ग है वो नशे की चपेट में। हाँ जी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, जो से बंदे मर जाए बेचारे विकलांग बीच में खड़े हैं और वो कोई सुनाई नहीं कर दे देना, तो इनका नशा थोड़ा कम करा जाए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे नशे को लेकर जी? सर आज नशे को बचाने के लिए हमारा जो विकलांग कल्याण अधिकार समिति का प्रदर्शन चला हुआ है, प्रोग्राम चला हुआ है, हम इसको प्रशासन के साथ मिलकर कैंपेन को चलाना चाहते हैं ताकि ये नशा पूरे विश्व से देश से अपना खत्म हो सके। और मैं युवाओं से एक अपील करता हूँ कि इसे नशे के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाएं। आज कहाँ कहाँ गए थे आप? अभी पंचायत भवन से चलकर ये प्रदर्शन कमेटी चौक होते हुए सेक्टर 13 के एक्सटेंशन से और 12 सेक्टर पेट्रोल पंप से होते हुए सुपर मॉल पर समापन हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी लोग जो है इस अभियान में शामिल हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें और इस विषय को लेकर जो नोडल अधिकारी हैं SDM असंत वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। हमारी एक नशामुक्त रैली है जो हमारे दिव्यांग भाई निकाल रहे हैं, इसे जो मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे करनाल और पूरे हरियाणा में वो यही है कि आप नशे की बीमारी से दूर रहें और आप अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट है के साधन आप अपनी स्किल्स डेवलप करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे, आप अपनी भर्तियाँ कराएं और अपना जीवन एक सुचारू रूप से जिए। नशे की आदतें जिनमें हमारे नौजवान पड़ जाते हैं उससे पूरा भविष्य और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं सर के थ्रू कि आप इन सब बातों से दूर रहें और अपना जीवन अच्छे से जिए। सर करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इस तरीके के कार्यक्रमों के बाद? इस तरह के कार्यक्रमों से एक जन चेतना आती है जिसे सभी लोग, क्योंकि एक स्टेक होल्डर प्रोग्राम है, जब तक अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे जितने भी NGOs हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या स्कूल में जाने वाले 10th 11th 12th के बच्चे, जब तक सब मिलके इसमें भाग नहीं लेंगे तब तक ये प्रोग्राम जो इसकी पोटेंशियल है वो रीच नहीं कर पाएगा। तो सर हरियाणा की अगर हम बात करें तो नशे को लेकर जो है आज किस ज़िले में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है? करनाल उन ज़िलों में से है जिसमें यहाँ इम्प्रूवमेंट का ग्राफ देखेंगे पिछले कुछ महीनों में तो बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार बढ़ता रहेगा।